एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए वर्णित किया गया है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष सात मुखी होता है। कौन से नंबर का? सात मुखी रुद्राक्ष। अगर व्यक्ति एक ठेला चलाने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला सात मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर अगर पहन ले, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी जिंदगी में सात मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कष्ट नहीं। तीन मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 11 पांच मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में जो काम अटक रहे हो, कहीं सर्विस के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं विद्या के लिए, किसी किसी काम में जा रहे हो और हो ही नहीं रहा, पांच मुखी रुद्राक्ष का प्रमाण कहा गया। कितने मुखी? पांच। पांच मुखी। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए, जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमिस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। तो अक्षत डालकर भेज, अक्षत सूर्य का अर्घ भी मूलता। आज भगवान शिव की कथा कर रही है, 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला है, पर जितने छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख संपदा प्रदान करता है। जितना छोटा होगा उतना सुख देगा। क्यों पहनते रुद्राक्ष? क्यों पहनते तुलसी? कहा शिव महापुराण कहती है, रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? अरे बोलो तो, नर्मदा नहाने नहीं, यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा, वेद व्यास जी ने कहा, जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा, तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त रुद्राक्ष।